नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पूरी दुनिया को एकजुट होकर जब कोरोना से पार पाना था, तब चाइना सदी का सबसे बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। पिछले दो महीनों से भारत से चल रहा उसका सीमा विवाद अब किसी बड़े टकराव के मुहाने पर पहुंच गया है। गलवल घाटी और पेंगोंग त्सो झील पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। या किसी भी पक्ष की तरफ से कोई भी कार्रवाई किसी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। भारत चीनी सेना को पहले ही सबक सिखा चुका है, मगर चीन है कि अपनी विस्तारवादी नीति का परित्याग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी मोल्डो में भारत और चीन के बीच बातचीत से मामला सुलझाई था कि चीन ने अब जापान के साथ भी पंगा ले लिया है। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अब एक नए राजनीतिक संकट को जन्म दे सकता है। चीन और जापान के बीच यह विवाद पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीपों की श्रृंखला पर पनप रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के साथ पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों पक्षों की ओर से खूनी संघर्ष के बाद चीन ने जापान की ओर रुख किया है। यानी अब जापान और चीन के हालात भी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहां पर हालात जंग की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें अमेरिका का कूदना निश्चित है, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच एक रक्षा संधि पहले से ही हो चुकी है। इस संधि के तहत यदि जापान पर कोई विदेशी शक्ति हमला करती है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। बड़ी बात यह है कि चीन इस संधि से वाकिफ है, मगर उसने सेनकाकू में मोर्चा खोलकर एक महायुद्ध की संभावना बढ़ा दी है। जिस वक्त गलवान घाटी में भारत जवान चीनियों की हड्डी तोड़कर उन्हें माओ घाट पहुंचा रहे थे, ठीक उससे दो दिन पहले चीनी सेना के जहाज सेनकाकू और दियाऊ द्वीप के करीब चक्कर लगा रहे थे, जिसकी खबर जापान के तटरक्षक द्वारा जापान सरकार तक पहुंचाई गई, मगर सरकार ने कोई कार्रवाई का आदेश नहीं देकर टकराव को टालने का प्रयास किया है। लेकिन बावजूद इसके चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने सेनकाकू और दियाऊ द्वीप को चीन का हिस्सा बताकर इन्हें हासिल करने की बात कही है। उधर जापान ने भी अपने तटरक्षक बल को आदेश दिया है कि अगर चीन इस बार दुस्साहस करता है तो उसे ढंग से सबक सिखा दिया जाए। इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत के साथ साथ जापान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जापानी पीएम शिंजो आबे और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच इस घटना के बाद टेलीफोन पर बात हुई है। बताया जाता है कि जापान ने न केवल भारत का समर्थन किया है, बल्कि किसी भी संघर्ष की हालत में भारत को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। यानी अगर चीन दोनों देशों में से किसी भी देश पर एक्शन लेता है तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका का इस टकराव में कूदना निश्चित है, जिसे महायुद्ध बनने में ज्यादा वक्त नहीं लग पाएगा। पर मामला यहां तक नहीं है। चीन द्वारा जापान को डराने की कोशिश से उसे भारत से दूर रहने का संदेश माना जा रहा है। भारत, जापान और अमेरिका हिंद महासागर में मिलकर एक्सरसाइज करते रहे हैं। चीन को आभास है कि भारत से उसकी किसी संभावित जंग में जापान की तरफ से नया मोर्चा खुल सकता है। चीन द्वारा अपने जहाजों को सेनकाकू द्वीप पर भेजना जापान पर दबाव बनाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी ताकत दिखाकर जापान को डराने की कोशिश कर रही है, मगर गलवान घाटी में अपने 45 से ज्यादा जवान गंवाने के बाद चीनी सेना में भगदड़ की स्थिति है। यानी इस घटना ने चीनी सेना को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। इससे दुनिया को पीएलए की कथित पावर का पता भी लग चुका है। अब चीन को लगता है कि अगर उसने भारत पर बड़ा पलटवार नहीं किया तो फिलीपींस, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश भी उसे आंखें दिखाना शुरू कर देंगे। पर चाइना की दिक्कत यह है कि वह भारत पर हमला तो करना चाहता है, मगर उसके ढोल पहले ही फटे हुए हैं। भारत के पास अंतरराष्ट्रीय समर्थन है, जबकि उसके साथ घसियारा पाकिस्तान जैसा मुल्क है, जिसे चीन दोस्त कम भिखारी ज्यादा समझता है। ऐसे में भारत पर एक्शन उसका ही बंटाधार कर सकता है। वैसे अमेरिका के तीन विमानवाहक जहाज 15 जून की रात से ही प्रशांत महासागर में डेरा डाले हैं। चीन इसे अपने ऊपर दबाव बढ़ाने के नजरिए से देख रहा है, क्योंकि यह जहाज अभी तक वहीं खड़े हुए हैं और अमेरिका ने इन्हें पीछे ले जाने का कोई संकेत नहीं दिया है। चीन समझ चुका है कि यह अमेरिकी जहाज भारत की सपोर्ट के लिए भेजे गए हैं। बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा यही से जापान की सुरक्षा भी की जा सकती है, इसलिए चीन की घेराबंदी की पटकथा कहीं ज्यादा सशक्त हो चुकी है। खासतौर से जापान को छेड़ना उसके लिए सांप के मुंह में उंगली डालने जैसा होगा, इसलिए चीन केवल छटपटा रहा है। अपने सैनिकों की हड्डी भारत से तुड़वाने के बाद भी बातचीत का निमंत्रण लगातार भेज रहा है। यानी हवा में उड़ने की बात करने वाला केवल फूस का ही घोड़ा साबित हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।